आपका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता चुके हैं कि यहाँ से आगे प्राइसेस बढ़ सकते हैं और शुरुआत थोड़ी सी ठंडी यहाँ पर जरूर है, लेकिन खरीदारी आगे जाकर बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। कोठारी जी, सोना और चांदी आपने दोनों के बारे में यहाँ पर बात करी, जिस तरह के बाइंग ट्रेंड्स हम भारतीय बाजारों में देख रहे हैं, जहाँ पर सभी एज ग्रुप सभी तरीके से सोना चांदी खरीद रहे हैं, चाहे वो ETF है, फंड्स है, डिजिटल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, ज्वेलरी के तौर पर है, आप कैसे देखते हैं इस साल के ट्रेंड्स और आपको क्या लगता है अगले एक साल में बाजार कहाँ जा रहा है? देखिए, जो आपने सही कहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो MCX स्टॉक के प्राइस थे लास्ट धनतेरस को 2500 रुपए थे और इस साल में 6500 प्लस है, तो उसमें से 150% तो सिर्फ MCX स्टॉक प्राइस ही बढ़ गए मैडम, गोल्ड के साथ साथ जी। ट्रेंड बहुत अच्छा है, अभी भी लोग स्मार्ट बाइंग करते हैं। मैंने देखा है कि अब जैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ ऑस्पिशियस डे पे खरीदी करते थे, पर अब लोग एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं जब भी प्राइस एवरीवेयर अवेलेबल होता है कि क्या डोमेस्टिक प्राइस चल रहा है, क्या इंटरनेशनल प्राइस चल रहा है, क्या मार्केट में हो रहा है, तो हर चीज आज की डेट में ऑन मोबाइल मिल जाती है। तो सब जगह पे आपने देखा होगा कि ETF के अंदर काफी अच्छी बाइंग हुई है लास्ट ईयर से। अगर इस साल आप देखोगे तो कम से कम मोर देन मेरे ख्याल से 30-40% स्टॉक इंक्रीज हुआ है। उसके साथ में सिल्वर ETF के अंदर बेस्ट बाइंग हो रही है, हर दिन नए नए यूनिट क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएशन काफी भारी मात्रा में गोल्ड में हो रहा है, सिल्वर में हो रहा है, प्लस SIP के जो पैसे आ रहे हैं, सबसे बड़ा SIP के जो पैसे आ रहे हैं वो इक्विटी ETF के माध्यम से उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं 5%-10% पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो उसकी काफी अच्छी बाइंग है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी, कॉइन ऑस्पिशियस डे होता है तो नो डाउट, और आज तो मैंने देखा है कि ओल्ड ज्वेलरी उन लोग बेच के कॉइन और कॉइन परचेज कर रहे हैं, मतलब अब ज्वेलरी के अगेंस्ट में उनको कैश नहीं चाहिए, उनको गोल्ड चाहिए। और जैसे जो आपने प्राइसेस की बात करी संकेत, वही सवाल मैं आपसे भी पूछने वाली थी, क्योंकि जैसे आपने कहा आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आज का कंज्यूमर बहुत अवेयर है, उसे पता है उसे क्या चाहिए, कितने पैसे में उसको क्या मिलता है। लैब ग्रोन्स में अगर हम प्राइसेस की बात करें तो पिछला साल तो इसी में निकल गया कि कितने ज्यादा प्राइसेस गिर चुके हैं, अब कुछ कंसोलिडेशन है, अब एक कैरेट का अगर हम प्राइस देखें तो क्या है लैब ग्रोन्स में? यस मैम, नो, अब देखा जाए तो सेकंड हाफ जो ईयर चला अपना, उसमें अभी जैसे लास्ट ईयर जो डाउनफॉल आ रहा था, जब प्राइस करेक्शन रिवाइज हो रही थी, अगेन एंड अगेन बैक एंड फोर्थ हो रहा था, ये इसकी अभी देखना जाए तो एक स्टेबिलिटी पे आ गया है। दैट्स व्हाई एट आईगिरी जो हमारा लैब ग्रोन डायमंड का ज्वेलरी स्टोर है, वहां पे वी आर ऑल्सो ऑफरिंग 100% बायबैक टू गिव द कस्टमर मोर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट दैट इट इज द सेम थिंग, बिकॉज क्या होता है कि कभी प्राइस जो डाउनफॉल आता है उसमें लोग डरते हैं कि भाई हम लेंगे, हमारा क्या होगा, ये होगा, बट वी आर सो कॉन्फिडेंट एज अ ग्रोवर, हमारे को इसकी प्राइसिंग मालूम है। राइट नाउ द मार्केट इज एट अ वेरी बेस लाइन, एज अ वेरी थिन लाइन एट B2B, डेफिनेटली देर आर होप्स ऑफ गोइंग अप बट नॉट एनी बिलो फर्दर, बिकॉज जो कंपनी में बेचेगा उनको आखिर में बंद ही करना है, तो उससे अच्छा आप एक स्टेबिलिटी से बिजनेस करें, जो रेगुलरिटी जो एक्चुअली इसकी प्राइस है, वी आर नॉट सेइंग चार्ज अ बॉम्ब, बट ऑब्वियसली यू कैन ऑल हैव द स्टेबल प्राइस वेयर द मार्केट कैन बी हेल्दी रादर देन डैमेजिंग फर्दर। तो ये एक बाजार है जो लोगों को अब समझ में आने लगा है और क्लियरली और नई नई दुकानें यहाँ पर खुल रही हैं, नए डिजाइन यहाँ पर आ रहे हैं, और जिस तरह की लैब ग्रोन ज्वेलरी आपको चाहिए, कस्टम मेड बी स्पोक, जिस तरह के बड़े बड़े कैरेट्स यहाँ पर बिक रहे हैं, ऑफकोर्स ये बाजार काफी खुलता हुआ नजर आया है और इस धनतेरस दिवाली इसका भी बहुत स्ट्रांग प्रचलन है। चेतन भाई, अगर हम डायमंड्स की बात करें और ज्वेलरी की यहाँ पर बात करें, जो ऑफकोर्स हमेशा यहाँ पर खरीदी जाती है, आप तो साउथ इंडिया में बैठते हैं जहाँ पर धनतेरस इन एनी केस बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, अब अगले साल के लिए आपको क्या सेंस है बाजार की? पहले अगर हम डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, रियल डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बहुत हाई है, और हर बार सब जब लास्ट हमारी सबसे बात हो रही थी तो सब बोले प्राइसेस में कुछ चेंजेस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायमंड के प्राइसेस भी अभी स्टेबल हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिमांड से फैक्ट्रीज फुल हैं, और अब जैसे देख रहे हैं कि जितने रिटेल स्टोर एवरीडे मार्केट में ओपन हो रहे हैं, एटलीस्ट हम सुन रहे हैं कि 30-40 आउटलेट्स, नए नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं एवरीडे, हम कहीं ना कहीं मार्केट से न्यूज ला रहे, तो कहीं ना कहीं रियल डिमांड डायमंड की डिमांड वो फॉरएवर रहेगी, बिकॉज रियल इज रेयर, ये मेरा मानना है, और जो CVD जो डायमंड है वो भी एक पैरेलल चलने वाला है, उसको हम उसको नकार नहीं सकते कि ये इंडस्ट्री का पार्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, ये दोनों पैरेलल चलेगा, लेकिन जो रियल है वो रेयर है, और CVD जो है वो सबके लिए है, ये ऐसा मानना है, लेकिन रियल भी आज की डेट में सबके लिए, लेकिन ये पैरेलल चलेगा, ये इंडस्ट्री पैरेलल चलेगी, और ग्रोथ बहुत बढ़िया है,
और मैं आपको जैसे बता रहा था कि अभी ब्राइडल सेट्स का बहुत अच्छा सीजन चलेगा और डायमंड ज्वेलरी में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ब्राइडल सेट हाईवे ज्वेलरी में बहुत अच्छा डिमांड है, गोल्ड में अच्छा डिमांड है, ज्वेलरी में मार्केट इज बूमिंग अप। आई कैन टेल यू कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि जो पहले बाहर आउट ऑफ इंडिया में काम करते थे लोग, दे आर इंडिया में आके अपने स्टोर खोलने लगे। कहीं ना कहीं जो उनको पोटेंशियल लग रहा है इंडियन मार्केट ज्वेलरी मार्केट का, कहीं ना कहीं एक माँ के सब बच्चे हैं, तो ये मेरा मानना है, चाहे वो सीवीडी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या डायमंड हो, ये कहीं ना कहीं हमारी फेटर्निटी से जुड़ा हुआ है और सबको ग्रो होने का उतना ही हक है। और मुझे लगता है एवरी वन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन आर इंडस्ट्री, सब एक इम्पोर्टेंट रोल अपना अपना प्ले करते हैं। तो मुझे मेरा ये मानना है कि 100% आर डायमंड एंड गोल्ड एंड सिल्वर ऑल इंडस्ट्री बहुत बड़ी तरह से बूम कर रही है और नेक्स्ट ईयर आई एम थिंक ये धनतेरस से नेक्स्ट धनतेरस तक वी विल सी मोर 30% ऑफ राइज इन द सेल। जी हाँ, नए स्टोर्स खुल रहे हैं, कॉर्पोरेट्स यहाँ पर ज्वेलरी एज अ बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि सबका ये मानना है, सबकी कैलकुलेशन ये दिखाती है कि आगे जाकर ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आपको रिटर्न्स दिखा सकती है, इसलिए हमने नए नए लोगों को यहाँ पर उतरते हुए देखा भी है। अब है ये सवाल आपसे है, और चांदी के फ्यूचर को लेकर यहाँ पर बहुत बुलिशनेस है। हम कल भी एक शो कर रहे थे जहाँ पर ग्लोबल एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि 40, 50, 70, 100 डॉलर्स तक भी किसी ने यहाँ पर बात की, जो अभी तो बहुत दूर के लेवल्स हैं यहाँ पर, लेकिन क्या खरीद रहे हैं लोग इस दिवाली? कॉइन्स, बार्स है, आर्टिफैक्ट्स है, स्टैचूज है, कटलरी है, क्या है ट्रेंड में, और आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री आगे जाते हुए? तो मनीषा जी, सिल्वर आर्टिकल में बहुत अच्छा डिमांड है। पहले यूजुअली चांदी के बर्तन में प्लेन थाली, प्लेन कटोरी ऐसे बिक जाती थी, आजकल क्रिएटिविटी अंदर काफी कुछ आ गया है। पीपल आर ऑल्सो बाइंग ज्वेलरी, कॉइन्स एज यूजुअल हर धनतेरस लेते हैं, गिफ्टिंग के लिए यूजुअली पहले ज्यादा जाता था, इस बार गिफ्टिंग के लिए थोड़ा मैंने कम देखा है। अदरवाइज द मार्केट इज बूमिंग। इनफैक्ट आई विल टेल यू के लास्ट 2 साल से इंडिविजुअल सिल्वर के लिए जो शो होने लग गए उसके कारण सिल्वर में काफी बूम होने लग गया है। वी हैव सीन काफी सारे स्टोर्स में सिल्वर के काफी छोटे सेक्शन हुआ करते थे, नाउ इंडिविजुअल सिल्वर स्टोर्स खुलने लग गए काफी बड़ी मात्रा में। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एंटरिंग इन टू सिल्वर, इनफैक्ट बिग कॉर्पोरेट प्लेयर आर ऑल्सो ओपनिंग सिंगल इंडिविजुअल सिल्वर आर्टिफैक्ट आर्टिकल ज्वेलरी और स्टोर के लिए। इट इज गोइंग डे बाई डे वेरी बिग। सिल्वर जैसे लास्ट ईयर 77,000 था धनतेरस पे, दिस ईयर इट इज 1 लाख, आई थिंक नेक्स्ट ईयर इट विल बी अबाउट 1,30,000, 1,40,000। डे बाई डे द रिटर्न्स आर वेरी गुड। वेल जी हाँ, लोगों को रिटर्न्स बहुत बेहतरीन नजर आए हैं और लोग इसीलिए खरीद भी रहे हैं। चढ़ते प्राइसेस में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जिस तरह से हमने इस इंडस्ट्री में आते हुए देखी है, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। और ऑफ कोर्स जैसे सभी ने कहा कि गिफ्टिंग एक चीज है, लेकिन सेल्फ परचेज जो लोग अपने लिए खरीदने लगे हैं उनकी तादाद यहाँ पर काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग खुद को सेलिब्रेट करने लगे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री के लिए, जिसका भी हमने बहुत बड़ा फायदा यहाँ आते हुए देखा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, समय एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़।